السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں گفتگو کرنے اور گفتگو سننے کی توفیق عطا فرمائی. وہ اللہ جو ہمیں یہاں جمع کرنے پر قادر ہے, وہ ہمارے دلوں کے زنگ اتارنے پر بھی قادر ہے. جو اللہ ہمیں اس پروگرام میں گفتگو میں شرکت کی توفیق دینے والا ہے, وہ اللہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے. جو اللہ جوک در جوک, قافلہ در قافلہ اس پروگرام میں آنے کی توفیق دینے والا ہے, وہ اللہ حی لا یموت, عرش پر مستوی, ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دینے پر بھی قادر ہے. اور شاید بلکہ اللہ رب العزت سے تو امید واسق ہے کہ اس محفل اور پروگرام میں آنے سے اللہ ہمیں سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے اور ہماری سچی توبہ کو اللہ قبول فرما لے. اور کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور حوض کوثر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلائے, اور اسی طرح ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. پھر انشاءاللہ جنت الفردوس میں اپنے اللہ کا دیدار کیا کریں گے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں انشاءاللہ رہا کریں گے. حضرات, میرا موضوع آپ سن چکے ہیں, ہمارا سفر کس راہ پر ہے, کس روٹ پر ہے اور کس طرح کا ہمارا سفر ہے اور ہماری منزل کون سی ہے, ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے. اس سفر کو گزار کر, اس سفر کو ختم کر کے ہم نے کس منزل کی طرف جانا ہے, یہی آج کی اس محفل میں ہم نے سوچنا ہے اور اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. سب سے بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنا خود محاسبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کو خود دیکھتا ہے اور اپنے اللہ سے رو رو کر معافی مانگ لیتا ہے, تھلے کر کے منت کر کے اللہ کو منا لیتا ہے
याद रखना भाइयों, रब के मानने में कोई देर नहीं है, रब के माफ करने में देर नहीं है, हमारे माफी मांगने में देर है, रब के अता करने में देर नहीं है, हमारे सवाल करने में देर है। जो आज दुनिया सजी हुई है, दिल में ख्याल लेके आए होंगे और वापस भी ख्यालात के साथ जाने वाले होंगे। ये दुनिया जो हमें बड़ी हसीन लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, ये दुनिया जो दीन के रास्ते में रुकावट बनती है, ये दुनिया जो शैतान का दोस्त बनाती है, ये दुनिया जो रहमान से हमें दूर करती है, ये दुनिया जो सिनेमाओं को आबाद करती है, ये दुनिया जो मस्जिदों को बेआबाद करती है, ये दुनिया जिससे हमें मोहब्बत है, हमें प्यार है, अल्लाह का कुरान कहता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कहता है, दुनिया मुसाफिर खाना है। कोई भी ये जहन से बात निकाल दे, इस दुनिया ने, खेतों खिलियान ने, चौक चौराहे ने, इन बिल्डिंगों इमारतों ने, इन कोठियों मोहल्लों ने, प्लाटों और जमीनों ने कभी भी हमेशा नहीं रहना है, मुसाफिर खाना कभी हमेशा नहीं रहता। इस दुनिया ने एक वक्त आएगा, खत्म हो जाना है। एलमो अन्नमल हयातु दुनिया लाइबु वलहब वजीना, खत्म होने वाली दुनिया। बल तो उसे रून हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। एक दिन आएगा, सूर फूंका जाएगा और महशर का सामान सामने आ जाएगा, महशर की घड़ी लग जाएगी। इसलिए कोई दुनिया से इतनी मोहब्बत न करे, कोई दुनिया से इतना प्यार न करे। बेवफा दुनिया, बेवफा कोठियां, बेवफा महल, बेवफा डॉलर और रियाल और यूरो और पाउंड, बेवफा ये दुनिया की सहूलतें, बेवफा ये सजी हुई लाइटें, बेवफा ये मौसमी बहार, बेवफा ये दुनिया की लज्जतें और दुनिया की सरामानियां और दुनिया की फरावानियां, सब कुछ बेवफा है। आरवी दुनिया, खत्म होने वाली दुनिया, जिस तरह इस दुनिया ने खत्म हो जाना है, इसी तरह याद रखना इंसान भी इस दुनिया के अंदर मुसाफिर है। कोई इंसान चाहे जितना मर्जी ताकत वाला हो, जितना मर्जी माल और दौलत वाला हो, जितना मर्जी हिम्मत और ताकत वाला हो, जितना मर्जी ओहदे जॉब वाला हो, कोठियों वाला हो, हुक्मरान हो, अपना हो या बिगाना, काफिर हो या मुसलमान, किसी इंसान ने भी यहाँ हमेशा नहीं रहना है। मुसाफिर है ये दुनिया, मुसाफिर है यहाँ के लोग। जब हमें इस बात का पता चल गया है कि दुनिया मुसाफिर खाना है और इंसान इस दुनिया में जो आया है ये भी मुसाफिर है, एक वक्त आएगा दुनिया छोड़ के जाना होगा, कब्र के अंदर जाना होगा, अल्लाह के सामने पेश होना होगा, अपने आमाल का हिसाब देना होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु के कंधे पर आपने हाथ रखकर कहा, फिदा हो अभी व उम्मी, हमारे माँ बाप रहमते कायनात अलैहिस्सलाम पर कुर्बान। आपने हाथ रखकर कहा, इब्ने उमर कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब। रहमते कायनात हमारी रहनुमाई क्या करते हैं, हमें दुनिया की खबरें याद होती हैं, दुनिया के सियानों के मशवरे याद होते हैं, दुनिया के लोगों के मशवरे याद होते हैं, खानदान वालों के मशवरे याद होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें याद नहीं है। काश हमारे दिलों पे ये फरमान असर कर जाए। गाने याद होते हैं,
असर कर जाते हैं, हाथ से याद होते हैं असर कर जाते हैं, माल याद होता है असर कर जाता है, वीजे याद होते हैं असर कर जाते हैं, दुनिया के ओहदे याद होते हैं असर कर जाते हैं, कभी हम रोते हैं कभी हम मुस्कुराते हैं। और लोगों, दुनिया की मट्टी तुम पर असर करे, दुनिया की बातें तुम पर असर करे, आखिर क्यों आमिना के लाल का फरमान हम पर असर क्यों नहीं करता? लगता है फरमान की सच्चाई में तो कोई शक नहीं है, सादिकुल मस्दूक की जबान से निकले हुए अल्फाज सच है हक है, लेकिन हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। बारिशें होती हैं तो बाज जमीनों पर उसका असर नहीं होता, बंजर जमीन हमारे दिल की जमीन बंजर हो गई है, हमारे दिलों पर कुरान असर नहीं करता, हमारे दिलों पर हदीस असर नहीं करती। क्यों हम कुरान और हदीस से रहनुमाई नहीं लेते, हम इशारों से रहनुमाई लेते हैं, हम दुनिया की किताबों से रहनुमाई लेते हैं, फरमाने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रहनुमाई नहीं लेते। रहमते कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, और कोठियों में रहने वालों, अपनी जागीरों पे मान करने वालों, अपने प्लाटों पर मान करने वालों, अपनी जमीनों पर मान करने वालों, और दुनिया संभाल के दीन भूल जाने वालों, कुरान भूल जाने वालों, बुखारी को भूल जाने वालों, मुस्लिम को भूल जाने वालों, खिलाफत राशिदा को भूल जाने वालों, सिद्दीक फारूक को भूल जाने वालों, उस्मान अली को, हसन हुसैन को, मुआविया रिजवानुल्लाह अजमाइन को भूल जाने वालों, आओ इस फरमान को सुन के अपने दिल पे नकश कर लो, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अपने कानों को खोल के रखना, मेरी रब से भी दुआ यही है कि मेरे दिल से ये बात निकले, दिल मेरा साथ दे और कोई मुश्किल नहीं है, मजमा बदल जाए, मैं बदल जाऊं, तब्दीलियां आ जाए, माहौल बदल जाए, आसमान का रब हर चीज पर कादर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब काफिरों को शिकस्त देने पर कादर है, मेरा रब उम्मत के जवाल को उरूज देने पर कादर है, मेरा रब शिकस्त खोरदा मुसलमानों को इज्जत देने पर कादर है, मेरा रब हमें सलाहुद्दीन दोबारा से देने पर कादर है, मेरा रब बुखारी जैसा मुहद्दस हमें देने पर कादर है, मेरा रब हमें इब्ने तैमिया जैसा मुजद्दद देने पर कादर है, मेरा रब हमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसा लीडर देने पर कादर है, मेरा रब कोई मुश्किल नहीं है काफिरों को शिकस्त देने पर कादर है, मेरा रब आफिया को रहाई देने पर कादर है, मेरा रब यूएनओ पलीत को मिटाने पर कादर है, मेरा रब शोहादा की शहादतें कबूल करने पर कादर है, मेरा रब इस ग्राउंड में जमा होने वाले मजमे को मुजाहिद बनाने पर कादर है, तौहीद का मुबल्लिग बनाने पर कादर है, एक अल्लाह के हुक्म को नाफिज करवाने पर कादर है। इसलिए रब से दुआ है, अल्लाह हमारी बंजर जमीन को आबाद कर दे, अल्लाह हमारे लगे हुए जंग तो उतार दे, अल्लाह मसनूई मुहब्बतें खत्म करके हकीकी मुहब्बतें हमारे दिलों में पैदा कर दे। ऐ हमारे रब, हमसे गलतियां जरूर हुई है, हमसे कुताहियां जरूर हुई है, ऐ हमारे रब हमसे खताएं जरूर हुई है, हम अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, हमें सफर कोई और बताया गया था, हमें रास्ता कोई और बताया गया था, अल्लाह हमें गारे सौर का रास्ता बताया गया था, हमें गारे हीरा का रास्ता बताया गया था, अल्लाह हमें दारे अरकम बताया गया था, हमें मक्का बताया गया था, हमें बैतुल्ला बताया गया था, अल्लाह हमें मदीना की बस्ती बताई गई थी, हमें बदर का मैदान बताया गया था, ओहद का मैदान बताया गया था, खंदक का मैदान बताया गया था, हुदैबिया और खैबर और हुनैन और मूता और तबूक और कादसिया और यरमूक, हमें सब कुछ बताया गया था, सूली पे चढ़ के कलमा हक बताया गया था, फांसियों पे
में चढ़ के कलमा हक बताया गया था, जेलों में जाके इब्ने तैमिया की तरह हक कहना बताया गया था। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हमसे भूल हो गई, हमसे खता हो गई। ए आसमान के रब, हमें यकीन है तू अर्श पर हमारी बातों को सुन रहा है और तेरे फरिश्ते ड्यूटी दे रहे होंगे। अल्लाह, तेरे फरिश्ते हमारे नाम नोट कर रहे होंगे इस ग्राउंड में, कसूर शहर में आने वाले लोगों को। अल्लाह, तेरे फरिश्ते देख रहे हैं, अभी तेरे पास जाएंगे। अल्लाह, तू हम पर रहम फरमा। अल्लाह, हमें समझ अता फरमा। अल्लाह, हमें दुनिया की हकीकत बता दे। जिस तरह सूरज चढ़ता है, गुरूब हो जाता है, चांद चमकता है, खत्म हो जाता है, हाँ डूब जाता है, दिन कभी कभी रात, रात कभी हमेशा नहीं, दिन कभी हमेशा नहीं, बहार का मौसम कभी हमेशा नहीं, जवानों जवानी भी कभी हमेशा नहीं, बढ़ापा भी कभी हमेशा नहीं। बताओ, कल के हमारे कहाँ चले गए, बुजुर्ग कहाँ चले गए, अइमा किराम कहाँ चले गए, कुर्बानियां देने वाले कहाँ चले गए, अहमद इब्ने हम्बल रहिमहुल्लाह कहाँ चले गए, बताओ माज़ो मौवज कहाँ चले गए, हदीस का रावी अबू हुरैरा मुहद्दस अपने वक्त का कहाँ चला गया, इब्ने उमर कहाँ चले गए, इब्ने जुबैर कहाँ चले गए। दोस्तों, सिद्दीक की सदाकत भी थी, फारूक की अदालत भी थी, उस्मान की सखावत भी थी, अली की जुर्रत भी थी, हसन हुसैन का हुसन भी था, मुआविया की किताबत भी थी, तलहा जुबैर की हलीमी भी थी, सादो सईद की खुशबख्ती भी थी, अबू उबैदा की अमानत भी थी, अब्दुर्रहमान की जुर्रत भी थी, सब कुछ मौजूद था, आयशा सिद्दीका की वफा भी थी, खदीजतुल कुबरा का प्यार भी था, फातिमा की शर्म हया भी थी, सब कुछ मौजूद था। आज हमने सब कुछ गंवा दिया। अल्लाह, हमसे भूल हुई, हमसे खता हुई, हमने दुनिया को समझा नहीं, हमने सहरी से वो जीनत देखी, हमने चलती गाड़ियां देखी, हमने उड़ते जहाज देखे, हमने लोगों की पतंगे देखी, हमने मैराथन रेस देखी, हमने दुनिया की शान और शौकत देखी, हम दुनिया की मोहब्बत में आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को भूल गए। याद कर लो भाइयों इस फरमान को। अल्लाह के नबी अस्सलाम का फरमान है, नज़र अल्लाह इमरा मन समिया मकालती फवाहा वहफिदहा फवाहा वअद्दहा कमा समियाहा। आज की इस महफिल में तुमने ये फरमान याद करके जाना है। फरमाया, जिसने मेरी हदीस को सुना और उसको याद किया और हदीस को सीने में महफूज रखा, गाने नहीं, कवालियां नहीं, मौसीकी नहीं, तंजो तनकीद के तीर नहीं, हसद बुगज कीना नफरत नहीं, जिसने आमिना के लाल तुर्रे यतीम इमामुल मुत्तकीन सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन के फरमान को अपने सीने में महफूज रखा, उसको याद किया और जिस तरह सुना उसको आगे पुचाया, फरमाया अल्लाह ताला उसके चेहरे को मुनव्वर कर देगा। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, रहमत कायनात से रऊफ ज्यादा कौन हो सकता है, दुनिया के अंदर रहीम दुनिया के अंदर कौन हो सकता है, मखलूक में कौन है जो आमिना के लाल अल इस्लाम से ज्यादा मुहिब मोहब्बत करने वाला हो, मुशफिक हो, मुअज्जज हो, मुकर्रम हो। फरमान सुनाया, उम्मतियो अल्लाह के नबी के फरमान को याद कर लो, कुल फिद दुनिया का अन्नक गरीब अवाबिरु सबील। छोटी सी हदीस है, माना समंदर जैसा है, छोटी सी हदीस है, किरणें सूरज जैसी है, छोटी सी हदीस है, चमक चांद जैसी है, छोटी सी हदीस है, खुशबू गुलाब जैसी है, छोटी सी हदीस है, चमक और दियानत और अमानत इस्लाम की किसरी वादे है, कितनी वादे है। कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, रहो दुनिया में इस तरह, कसूर शहर वालों तुमने कसूर में किस तरह रहना है, लाहौर वाले किस तरह रहेंगे, पाकिस्तान वाले किस तरह रहेंगे, मक्के मदीने वाले किस तरह रहेंगे, तुमने किस तरह दुनिया में रहना है। कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, इस तरह दुनिया में रहना जिस तरह मुसाफिर रहते हैं, अजनबी परदेसी मुसाफिर, अवाबिरु सबील मुसाफिर, रस्ते में सफर करने वाला, इस तरह दुनिया में रहना।
अब्दुल्ला बिन उमर को आपने समझाया, सहाबी पल्ले बांध लेने वाले थे, हमारी तरह के नहीं थे, फिरके बड़े, ग्रुप बड़े, पार्टियां बड़ी, लाइनें बड़ी, कतारें बड़ी, बोलियां बड़ी, और रस्म रवाज बड़े, रंग बड़े, नस्ल बड़ी, लिबास बड़े, अतवार बड़े, मगर फरमाने रसूल पे अमल नहीं। अल्लाह के बंदो, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, जो कि अमीर मोमिनीन अबू हफ्स उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे थे, पल्ले बांध लिया फरमान को और अपने आगे लोगों को क्या नसीहत की, इजा असबहता फला तंतजिर मसा। क्या है किसी का इस तरह का ईमान, जब सुबह हुई है तो रात का इंतजार न करना। रात किसने देखी है, पता नहीं दोपहर को फौत हो जाए, पता नहीं असर को फौत हो जाए, हमारे जनाजे का ऐलान होने वाला हो, स्पीकर पे ऐलान हो, फला आदमी फौत हो गया है, किसके पास सर्टिफिकेट है सालों का, किसके पास सर्टिफिकेट है, और लंबी जिंदगी भी हो तो उस तरह की हो जिस तरह शेख अल्बानी गदार कह गए, इब्ने बाज गदार कह गए, उसैमीन गदार कह गए, मुकबल गदार कह गए, उस तरह की जिंदगी हो जिस तरह की जिंदगी इस्लाम के शेर गदार कर गए, सरका का जरकावी गदार कह गया, हजाज का खत्ताब गदार कह गया, लाहौर का अबरार गदार कह गया, उस तरह की जिंदगी इस्लाम के शेर जिंदगी गदार कह गए, उस तरह की जिंदगी। कहा सुबह हुई है तो रात का इंतजार ना करना, सालों के मंसूबे, अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है फल की खबर नहीं। कहा सुबह हुई है रात का इंतजार ना करना, वइजा अमसैता फला तंतदरिस सबा, और जब रात हुई है और रात हो गई है ना, कहा रात हुई हो दिन का इंतजार ना करना, वह खुद मिन सिखातिका लिमारा देख, कहा बीमारी के आने से पहले पहले अपनी तंदुरुस्ती से फायदा उठा लो, और इन हयाती काली मौत एक, और मौत से पहले पहले अपनी जिंदगी से फायदा उठा लो। कौन खुशकिस्मत है, डिग्रियों वाला, सनदों वाला, कोठियों वाला, प्लाटों वाला, जमीनों वाला, गोरे रंग वाला, यूरोप के वीजे वाला, ग्रीन कार्ड रखने वाला, कौन खुशकिस्मत है, कौन खुशकिस्मत है, एमएनए, एमपीए, नाजम, मुदीर, हुक्मरान, कौन खुशकिस्मत है बताओ। अल्लाह का कुरान कहता है खुशकिस्मत वो है जो अपनी जिंदगी के मकसद को जान गया। क्या है मेरी जिंदगी का मकसद, मैं किस लिए दुनिया में आया, क्रिकेट के खेल के लिए, वीडियो गेम के लिए, ताश के पत्तों के लिए, सिगरेट के कस लगाने के लिए, दुनिया की छोटी डिग्रियां लेने के लिए और पैसा कमाने के लिए, ये था ना मेरा दुनिया में आने का मकसद, दाढ़ी का मजाक उड़ाने के लिए, नमाज छोड़ने के लिए, बेपर्दा घूमने के लिए, मेरा दुनिया में आने का मकसद मिरासी बनना, बांड बनना, बैंड बाजे बजाना, मौसीकी के लाद तैयार करना, मेरा दुनिया में आने का मकसद केबल कनेक्शन लोगों को देना, गंदी फोटो देना, मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था। लोगों अगर दर्स का यही मकसद तुम समझ जाओ, तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी मकसद दुनिया में आने का क्या है। ये सफर, ये मंजिल, ये मुसाफिर, ये दुनिया, ये रास्ता, अल्लज़ी खलक अल-मौत वल-हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आसमान का रब कहता है जिंदगी और मौत को मैंने पैदा ही इसलिए किया है ताकि पता चले अच्छे अमल करने वाला कौन है। सुन्नत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अमल करने वाला कौन है, सबसे बेहतर अमल होता ही वो है अल्लज़ी अखलस हो वास्तवाब हो, जो अल्लाह की रजा के लिए हो, सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। कहा जिंदगी का मकसद, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियबुदून, सूरत मुल्क पढ़ लो, ज़ारियात पढ़ लो। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसलिए बनाया, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए। ये है मेरी जिंदगी का मकसद, ये है मेरा दुनिया में आने का मकसद, ये है मेरा सफर करने का मकसद। किस लिए सफर जारी है, किस लिए
हम दुनिया में चल फिर रहे, घूम रहे, आवारागर्दी के लिए, बेमकसद जीने के लिए, तमाशे लगाने के लिए, आपस में लड़ने के लिए, आपस में झगड़े करने के लिए, उम्मत को तकसीम करने के लिए, आपस में गोलियां चलाने के लिए, गिरेबान पकड़ने के लिए, इस्लाम का तमाशा लगाने के लिए, काफिरों का गुलाम बनने के लिए, किस लिए? अल्लाह खुशकिस्मत वो है इसकी जिंदगी सजदों में गुजरती है, रुकू में गुजरती है, कुरान पढ़ते गुजरती है, हदीस पढ़ते गुजरती है, जिहाद करते गुजरती है, तबलीग करते गुजरती है, हक कहते गुजरती है, हक्का मार्का लड़ते गुजरती है, और जिंदगी तो वो है, वरना जिंदगी क्या बात है। लोग बड़ी जिंदगियां गुजार के गए, कौमे आद भी थी, कौमे समूद भी थी, अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, फिरौन भी था, नमरूद भी था, हलाकू खान भी था, चंगेज खान भी था, बड़े आए, जिंदगियां गुजार के चले गए, मगर जिंदगी वो नहीं है। खुशकिस्मत जिंदगी थी अबू बकर सिद्दीक की, खुशकिस्मत जिंदगी थी उमर फारूक की, उस्मान गनी की, अली हैदर करार की, हसन हुसैन की, अमीर मुआविया की, रजी अल्लाह अन्हु मजमाइन। खुशकिस्मत वो थे जिन्होंने दुनिया को चाहा ही नहीं, दुनिया से मोहब्बत की ही नहीं, दुनिया से प्यार किया ही नहीं, बेहतर सही सलामत सफर करके अपनी आखिरत की मंजिलों को रवाना हो गए। दुख होता है जब दुनिया को अपने आने का मकसद ही मालूम नहीं। हमें ये तो पता है कि मैं घर से जॉब करने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है कि मैं कॉलेज में पढ़ने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है दुकान खोलने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है लंदन जाने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है मंडी सौदा लेने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है पैसा कमाने निकला हूँ, धोखा देने निकला हूँ, चोरी करने निकला हूँ, डाका मारने निकला हूँ, मुझे ये तो पता है खाने पाने खाने पीने का पता है, पहनने का पता है। दुख होता है एक इंसान को ये भी पता ना हो मैं दुनिया में आया किस लिए था और मैंने जाकर क्या करना है। याद रखना भाइयों, सफर के तीन मरहले हैं हमारे इस सफर के, जो अल्लाह ने हमें पैदा किया दुनिया के अंदर भेजा, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजकर तीन सफर के मरहले हमें बताए हैं तीन, लेकिन अफसोस है हमें एक मरहला याद है, बाकी दो हमें याद नहीं है। किसी से बात करो, किसी से बात करो, उसको सफर कौन सा याद है? 50 साल जिंदगी है कैसे गुजारनी है, 60 साल जिंदगी है कैसे गुजारनी है, बैंक बैलेंस कितना मजबूत होना चाहिए, नोट मेरी जेब में होने चाहिए, आगे पीछे नौकर होने चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए, बॉडी गार्ड होने चाहिए, दुनिया में मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए। हाँ, अल्लाह का कुरान कहता है एदा वकातिल वाकिया लैसा लवकातिहा काज़िबा खाफिदतुर राफिया, क़यामत के दिन कितने ऊंचे नामों वाले नीचे लग जाएंगे। हमें दुनिया में इल्म है, हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए, इश्तिहार लगे होने चाहिए, बैनर लगे होने चाहिए, दीवारों पे नाम लिखा जाना चाहिए। अल्लाह के बंदो, हमें ये सफर तो याद है, साल साल के गोदाम भरे होते हैं, साल साल के गल्ले जमा कर लेते हो, मुस्तकबिल की सोच, घर बड़ा बनाओ, बच्चे ज्यादा हैं, उन्होंने इस घर में रहना है, कल को क्या करेंगे। अल्लाह के बंदो, हमें ये तो फिक्र है जो इसके बाद सफर का दूसरा मरहला है, ये दुनिया की जिंदगी का पहला मरहला, ये तो आपको याद है, ये तो आपको इल्म है, जो दूसरा मरहला कब्र का है वो भी किसी को याद है, वो भी किसी के इलम में है। कितना खुला ग्राउंड है, कितनी लाइटें जली हुई है, कभी देखो जाके कब्रिस्तान को, देखो कब्र में क्या बीत रही है, कभी कब्र की अंधेरी रात हमारे दिल में होती, तसव्वुर होता तो क्या हम गुनाह करते। अगर मौत को, मौत के मरहले को हमने याद किया होता तो यहां से कोई भाई दाढ़ी रखने के वादे के बगैर कभी ना जाता। अगर हमें सफर का वो मरहला याद होता, मेरी कोई बहन
یہاں سے بے پردہ ہو کے کبھی نہ جاتی، پردے کا وعدہ کر کے جاتی۔ اگر ہمیں قبر کا مرحلہ یاد ہوتا تو ہم شرک کی غلاظت سے لے کے کبھی گھروں میں نہ جاتے، بدعت کی نحوس سے لے کر کبھی گھروں میں نہ جاتے، غیر اللہ کی خدائی مان کر کبھی یہاں سے نہ جاتے۔ ہمیں قبر یاد نہیں، دو گز زمین ہے اور پتہ نہیں اس قبر کے اندر کیا بیتنی ہے، کیا گزرنی ہے، جہاں توحید کا سوال، رسالت کا سوال، اسلام کا سوال، اور جس کو نہ آئے جواب منکر نکیر اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ حتی اذا جا احدہم الموت قال رب ارجعون، اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے، اللہ نمازیں چھوڑتا تھا، اللہ فلمیں دیکھتے تھے، گانے گاتے تھے، نشہ کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سود کھاتے تھے، دھوکے دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، کرپشن کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، فراڈ کرتے تھے، اللہ موقع دے، اللہ ٹائم دے۔ حتی اذا جا احدہم الموت، قرآن مجید پڑھ لو، سورۃ المومنون پڑھ لو، تمہیں قسم ہے رب کی گھر میں جا کے ترجمہ اس کا ضرور پڑھنا، آخری صفحے سے پہلا صفحہ ہے۔ حتی